अपडेट आ रही है आदिवासी पुरुष मूवी को लेकर के, जो अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन हो गया है। फिल्म अब गर्मी के महीने में यानी मई और जून में रिलीज हो सकता है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म का VFX और CGI को लेकर काफ़ी ट्रोल किया गया था, जिसके बाद मेकर फिर से VFX और CGI पर काम करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पठान मूवी को लेकर के, जिसका टीजर 2 नवंबर को रिलीज होगा। फिल्म के कास्ट की बात करें तो शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आशुतोष राणा मुख्य भूमिका में होंगे, और इसे अगले साल 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। बाकी का डिटेल टीजर आउट होने पर बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को लेकर के, जिनकी वाइफ ने उन पर मेंटल हैरेसमेंट का केस फाइल किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उनका मेंटल हैरेसमेंट किया गया है, साथ ही सुसाइड करने के लिए फोर्स भी किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पवन सिंह नशे में गाली गलौज करते हैं। वैसे पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से 2018 में हुई थी। इससे पहले उनका शादी 2014 में नीलम सिंह के साथ हुआ था। इसके एक साल बाद ही नीलम सिंह ने सुसाइड कर ली थी, और अब ज्योति सिंह भी उसी रास्ते पर है। इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मृणाल ठाकुर को लेकर के, जिन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म साइल कर ली है। फिल्म का नाम पूजा मेरी जान है, जिसमें हुमा कुरैशी और विजय राज मुख्य भूमिका में होंगे। इस फिल्म से रिलेटेड कुछ और अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शर्लिन चोपड़ा को लेकर के, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रही हैं कि साजिद खान के सर पर सलमान खान का हाथ है। दरअसल साजिद खान पर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस फाइल किया गया है, और साजिद खान इस वक्त बिग बॉस में है, जिस पर शर्लिन ने कहा कि सलमान खान को सब भाईजान कहते हैं तो क्यों नहीं हमारे साथ खड़े होते हैं। अब इस पर आगे क्या होता है, कुछ अपडेट आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्रिकेट से, जहां वर्ल्ड कप में कल 3 मुकाबले खेले गए थे। पहला बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच, दूसरा पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच, और तीसरा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। बात करें पहले मैच की तो पहले मैच में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 3 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। बांग्लादेश के स्कोर कार्ड की बात करें तो संतो ने 5 गेंद में 71 रन बनाए, जिसमें 7 चौका और 1 छक्का शामिल था। वहीं सौम्य सरकार 0, लितन दास 14, साकिब अल हसन 23, आफिफ हुसैन 29, मुसद्दक हुसैन 7, नूरुल हसन 1 और यासिर अली ने 1 रन बनाए। वहीं जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बात करें तो नगवारा को 2, मुजरबानी को 2, सिकंदर रजा को 1 और सैन विलियमसन को 1 विकेट मिला। वहीं लच का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन ही बना सकी। जिम्बाब्वे के स्कोर कार्ड की बात करूँ तो मधवीरा ने 4, करेंग मिंस ने 8, मिल्टन सुम्बा ने 8, सैन विलिस ने सबसे ज़्यादा 42 गेंद में 64 रन बनाए, जिसमें 8 चौका शामिल था। वहीं सिकंदर अजय 0, चकाभावा 15, रियान बल 27, ब्रैड इवेंस 2, नगरावा 6 और मुजरबानी 0 रन बनाए। बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें तो तस्कीन अहमद को 3, मुसद्दक हुसैन को 2 और मुस्तफिजुर रहमान को 2 विकेट मिला। वहीं कल के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 91 रन ही बना सकी। नीदरलैंड की ओर से सबसे ज़्यादा एक मैन ने 27 रन बनाए, उनके अलावा कोई और टिककर नहीं खेल सका। बात करें पाकिस्तान की गेंदबाजी की तो शाहीन अफरीदी को 1, नसीम शाह को 1, मोहम्मद वासिम जूनियर को 2, हरीश रॉफ को 1 और सदाब खान को 3 विकेट मिला। पाकिस्तान के स्कोर कार्ड की बात करें तो रिजवान ने 39 गेंद में 49 रन बनाए, जिसमें 5 चौका शामिल था। वहीं बाबर आजम 4 रन बनाकर चलते बना। वहीं फखर जमान 20, मसूद 12, इफ्तिकार 6 और सदाब खान ने 4 रन बनाए। नीदरलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो अमेरिकन को 1, ब्रेंडन ग्रोवर को 2 विकेट मिला। वहीं कल का तीसरा मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका 5 विकेट से जीत गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन ही बनाए। भारत के स्कोर कार्ड की बात करें तो KL राहुल 9, रोहित शर्मा 15, कोहली 12 और सूर्यकुमार यादव ने 40 गेंद में 68 रन बनाए, जिसमें 6 चौका और 3 छक्का शामिल था। वहीं दीपक हुड्डा 0, हार्दिक पांड्या 2, दिनेश कार्तिक 6, अश्विन 7, भुवनेश्वर कुमार 4, शमी 0 और अर्शदीप सिंह ने 2 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो पार्नेल को 3, लुंगी एनगिडी को 4 और नोरकिया को 1 विकेट मिला। महिलाज का पीछा करने उतरा साउथ अफ्रीका की टीम 19.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका की स्कोर कार्ड की बात करें तो डिकॉक 1, तंबा बहुना 10, रेलू रुसू 0 रन बनाए। वहीं मार्करम ने 41 गेंद में 52 रन बनाए, जिसमें 6 चौका और 1 छक्का शामिल था। वहीं मिलर ने 46 गेंद में 59 रन बनाए,
जिसमें 4 चौका और 3 छक्का शामिल था। वहीं त्रिस्ता ने स्तब 6 और परनेल ने 2 रन बनाए। भारत की गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह को 2, मोहम्मद शमी को 1, हार्दिक पांड्या को 1 और अश्विन को 1 विकेट मिला। वहीं भारत के हारते ही पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। वहीं आज के मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच 1:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।